हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। दोस्तों, आप में से एक सब्सक्राइबर ने रेलवे कमिश्नर फॉर सेफ्टी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा था कि रेलवे कमिश्नर फॉर सेफ्टी दैट इज CRS, इनके बारे में बताएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि CRS क्या होता है और बेसिकली इसका रोल क्या होता है रेलवे सेफ्टी में। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि ये CRS बेसिकली इसका क्या मतलब होता है। तो CRS का मतलब होता है कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी। ये कमीशन है दोस्तों, एंड ये कमीशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आती है। बेसिकली रेलवे से रेलवे का ही अगर कोई कमीशन बनाते तो रेलवे मिनिस्ट्री का उस पर एक प्रेशर रहता और रेलवे मिनिस्ट्री उसको कंट्रोल करती। इसीलिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री के अंडर में, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में इस कमीशन को रखा गया है और इस कमीशन पे कोई दबाव नहीं रहता रेलवे मिनिस्ट्री का। इसीलिए इसको एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बताया गया है दोस्तों। तो जो CRS होता है वो, दैट इज कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी, इसका जो ऑफिस है वो लखनऊ में है और इसके जो इंचार्ज होते हैं, जो ओवरऑल CRS के जो इंचार्ज होते हैं, उनको CCRS बोला जाता है, दैट इज चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। He is in charge of whole commission and he is stationed posted at Lucknow. इसके अलावा दोस्तों CCRS जो है, he acts as principal technical advisor to central government for railway safety norms. Basically जो रेलवे के जो सेफ्टी के मापदंड हैं उसके लिए he is acts as a advisor to the central government. To the central government से मेरा मतलब है कि basically जो रेलवे मिनिस्ट्री रहती है उसको ये एडवाइस करते हैं। इवन कई बार इनसे PMO या प्रेसिडेंट ऑफिस से भी इनके पास रिपोर्ट मांगी जाती है कि भाई रेलवे सेफ्टी नॉर्म से रिलेटेड आप रिपोर्ट सबमिट करें। तो दैट इज हाउ इज CRS। अब हम देखते हैं दोस्तों CRS बेसिकली जो CCRS होते हैं, CRS का जो कमीशन है उसके जो CCRS होते हैं, ही इज असिस्टेड बाई 9 रीजनल CRS, दैट इज कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी। तो एक CCRS के अंडर में 9 रीजनल CRS भी होते हैं जो कि डिफरेंट जो जोनल रेलवेज हैं उनके लिए नॉमिनेटेड रहते हैं। जैसे जो सेंट्रल सर्किल होता है, सेंट्रल सर्किल का हेडक्वार्टर बॉम्बे में होता है, और जो रेलवे जैसे सेंट्रल रेलवे है, WCR दैट इज वेस्ट सेंट्रल रेलवे है, और कोंकण रेलवे, इन तीनों रेलवे से रिलेटेड जो सेफ्टी इशूज है वो सेंट्रल सर्कल के CRS देखते हैं दोस्तों। उसी तरह से ईस्टर्न रेलवे के CRS कोलकाता में बैठते हैं, एंड ही लुक्स आफ्टर द सेफ्टी नॉर्म्स ऑफ ईस्टर्न रेलवे एंड ईस्ट सेंट्रल रेलवे। उसी तरह से नॉर्दर्न सर्कल है जहाँ न्यू दिल्ली में बैठते हैं, और नॉर्दर्न रेलवे और DMRC दैट इज दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इन दोनों का नॉर्दर्न सर्कल दिखता है। उसी तरह से नॉर्थ ईस्टर्न सर्कल लखनऊ में रहते हैं दोस्तों, एंड वो NER एंड NCR इन दोनों रेलवे के बारे में सेफ्टी नॉर्म्स को चेक करते हैं। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर सर्कल है जो कि कोलकाता में ही रहता है, और जो NF रेलवे है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एंड मेट्रो रेलवे कोलकाता, इनके लिए डेजिग्नेटेड है। उसी तरह से सदर्न सर्कल बैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, और ये जो है सदर्न रेलवे एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे इन दोनों को कैटर करते हैं। उसी तरह से साउथ सेंट्रल सर्कल सिकंदराबाद में इनका हेडक्वार्टर है, और जो साउथ सेंट्रल रेलवे से रिलेटेड जितनी भी सेफ्टी इशूज है वो डील करते हैं। वेस्टर्न सर्कल बॉम्बे हेडक्वार्टर है दोस्तों, एंड वेस्टर्न रेलवे एंड NWR दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो कि जिसका हेडक्वार्टर जयपुर में है, इन दोनों को वेस्टर्न सर्कल के अंडर में आते हैं। और लास्टली है साउथ ईस्टर्न सर्कल जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, और इसको ये जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे एंड साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इन तीन रेलवेज को जो सेफ्टी इशूज हैं वो ये देखती है दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों बेसिकली CRS का मेन इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है रेलवे सेफ्टी में। सबसे पहले तो ये टेक्निकल एडवाइजर होते हैं टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रेलवे सेफ्टी। इसके अलावा जितने भी रेलवे में सीरियस एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट से मेरा मतलब है जहाँ पे ह्यूमन डेथ्स इन्वॉल्व्ड हैं, या मान लीजिए कि दो गाड़ी एक दूसरे से कॉलिजन हो गया और उसमें काफ़ी सारे लोग जो है इंजर्ड हो गए हैं, तो उन केसेस को भी CRS डील करते हैं। तो बेसिकली सीरियस जितने भी रेल एक्सीडेंट्स हैं दे आर इन्वेस्टिगेटेड बाय CRS, और CRS अपने रिपोर्ट सबमिट करते हैं, और उसके बेसिस पे रेलवे में भी जो भी रिफॉर्म्स लेना हुआ, जो भी एक्शन लेना हुआ, कंसर्न अगर कोई जिम्मेदार है उसमें, कोई रेलवे का एम्प्लॉय अगर इन्वॉल्व है, तो दे आर टेकन अप बाई द कंसर्न रेलवे मिनिस्ट्री ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CRS के रिकमेंडेशन के बेसिस पे।
इसके अलावा जितने भी मेजर डबलिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई सेक्शन में डबलिंग हो रही है, तो उस सेक्शन की डबलिंग के लिए जो सैंक्शन होता है वो सीआरएस देता है दोस्तों। जब तक सीआरएस से सैंक्शन नहीं मिलेगा तब तक उस यार्ड की डबलिंग को आप ओपन नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन की स्पीड बढ़ानी हो, मान लीजिए कि अभी 75 का स्पीड चल रहा है, उसको 110 की स्पीड करनी हो, तो उसके लिए भी सीआरएस का सैंक्शन लेना पड़ता है दोस्तों। इसी तरह से जैसे कोई यार्ड रिमॉडलिंग के मेजर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कोई कोई पर्टिकुलर स्टेशंस पे बहुत सारे नए नए लाइंस आ रहे हैं, तो उनके लिए भी सीआरएस का सैंक्शन लेना मस्ट है दोस्तों। इसके अलावा जितने भी मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, जैसे कि नागपुर मेट्रो है, जैसे अभी पुणे मेट्रो स्टार्ट हो गया, अभी लखनऊ मेट्रो स्टार्ट हो गया, तो फॉर ऑल द मेट्रो प्रोजेक्ट्स कोई भी उनको अगर सेक्शन ओपन करना होता है तो उनको सीआरएस का सैंक्शन लेना पड़ता है। इसके अलावा जितने भी रेलवे के जो वर्किंग एस्टैब्लिशमेंट हैं, जैसे वर्किंग लाइंस हैं, वर्किंग सिग्नलिंग इंस्टॉलेशंस हैं, ओएच इंस्टॉलेशंस हैं, इन सभी का भी रेगुलरली इंस्पेक्शन होता रहता है सीआरएस के द्वारा। तो बेसिकली देखा जाए तो रेलवे में जो सेफ्टी नॉर्म्स होता है उसको मेंटेन करना और उसकी जो इंटेग्रिटी है उसको मेंटेन करने का काम सीआरएस का होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेलवे। दोस्तों अब हम देखते हैं कि किस तरह से सीआरएस का सिलेक्शन होता है। सीआरएस मतलब कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी, उनका किस तरह से सिलेक्शन रहता है। तो बेसिकली सीआरएस जो रेलवे के जो ग्रुप ए ऑफिसर्स रहते हैं, जिनकी जो 25 इयर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उनको सीआरएस पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाता है दोस्तों। और एक बार वो जब ज्वाइन कर लेते हैं एज सीआरएस, दैट इज कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी, दे आर अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से अटैच हो जाते हैं, एंड दे कैनॉट रिटर्न टू द रेलवे मिनिस्ट्री। अब वापस वो रेलवे की मिनिस्ट्री में नहीं आ सकते हैं, मतलब वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से ही रिटायर हो जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोस्तों। अगर वो वापस रेलवे मिनिस्ट्री में आते तो हो सकता है उनके ऊपर कुछ दबाव रहता है कि मैं वापस जाऊंगा तो हो सकता है कि मेरे ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, इसीलिए वो ये कंडीशन रखी गई है कि दे विल रिटायर इन द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एज इन द कमीशन इटसेल्फ, कमीशन में ही वो रिटायर हो जाते हैं। और इसके लिए जो सीआरएस की जो पोस्ट रहती है उसके लिए जो रेलवे के ग्रुप ए ऑफिसर्स ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, एसएनटी दैट इज सिग्नल एंड टेलीकॉम, एंड ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, जो ये जो पांच डिपार्टमेंट्स हैं इन्हीं के ऑफिसर्स दे कैन बिकम सीआरएस इन इंडियन रेलवे। तो ये था दोस्तों सीआरएस दैट इज कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य हिट करें, ताकि रेलवे से रिलेटेड अपडेटेड वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।